एक आम स्टूडेंट को जेड स्कोर की समझ नहीं आती, उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, है ना, जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझ नहीं आती। तो इसका सेंट्रल आइडिया आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप इतना तीन चार शब्द लिखने लगा हूं, देखिए डिजिट लिखने लगा हूं, ये समझ आते हैं। जीरो की समझ है, प्लस वन की समझ है, अगर ये समझ आता है तो आपको जेड स्कोर समझ आ जाएगा। प्लस टू की समझ है, प्लस थ्री की समझ है, ऐसे ही वन प्लस है और माइनस वन है, इसकी समझ है। माइनस टू की समझ है, ऐसे ही माइनस थ्री की समझ है। अगर ये जीरो से लेके प्लस थ्री तक, जीरो से लेके माइनस थ्री तक आपको गिनती की समझ है तो आपको जेड स्कोर समझ आ गया, सिंपल बात है। अब ये देखिए कि यहां पर मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ऋषभ है, ऋषभ के मैथ में यहां स्टैंड करता है ऋषभ, यहां मैंने एरो लगा दिया यहां पर, है ना, यहां आर लिख दिया, ऋषभ पूरा लिखना है, ऋषभ लिख दिया आधा। और दूसरा स्टूडेंट जो मैथ्स पर है, ये मैथ की बात कर रहे हैं, यहां पर मैथ लिख दिया। और दूसरा स्टूडेंट जो है वो मैथ्स में बेशक किसी और स्केल से और टेस्ट और क्वेश्चन से उनको उसका टेस्ट हुआ है और उसके ग्रुप से कंपेयर करके उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऋषभ का प्लस वन है और दूसरे स्टूडेंट का ये रहा माइनस वन है। अब सिंपल इतनी बात कि माइनस वन और प्लस में से कौन बड़ा है, कौन पॉजिटिव है, कौन आगे है, तो सभी को समझ है कि प्लस वन वाला आगे है। और सेंटर यहां में जो है मीन मीडियन मोड है, सेंट्रल टेंडेंसी है, और ये है सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन वन, स्टैंडर्ड डेविएशन टू, स्टैंडर्ड डेविएशन थ्री, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही जेड स्कोर है। इट मींस जेड स्कोर एक्सप्रेस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो आप, हमने कोई भी कंपैरिजन करना है, बेशक ऋषभ का ईशान से करना है, बेशक मैथ्स का ऋषभ का हमने ईशान के आठ से करना है, बेशक ऋषभ के मैथ का सोनिया की साइंस से करना है। तो मान लीजिए हमें पता है सोनिया का साइंस में स्टैंडर्ड डेविएशन, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले ले, ये वाला ले लेते हैं, मान लीजिए सोनिया यहां पर आ रही है साइंस में और ऋषभ मैथ में यहां है, इट मींस कि सोनिया साइंस की रिलेटिव पोजीशन उसकी आगे है और ऋषभ की उससे पीछे है, लेकिन दोनों ही एवरेज से, सेंटर से पॉजिटिव की तरफ हैं। तीसरा मान लीजिए ईशान की आठ से करनी है, ईशान की आठ यहां पर आ गई किसी और कलर से, व्हाइट से कर ले, यहां पर व्हाइट कर लेते हैं, ये आ गया ईशान का, ईशान का स्कोर मान लीजिए जेड स्कोर या स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर प्लस थ्री आया है, यहां स्टैंड कर रहा है, इट मींस ईशान की आठ सबसे ज्यादा आगे वो चल रहा है, उसकी रिलेटिव पोजीशन सबसे आगे है, उसका रैंक सबसे आगे है, उसने 99. कितने परसेंट को आगे चल के देखते हैं, कितने लोगों को आठ में पीछे छोड़ा हुआ है, इवन ऋषभ का मैथ उसके आठ के आठ से पीछे है, इवन सोनिया के, नहीं ये सोनिया थी, हाँ सोनिया की साइंस भी ईशान की आठ से पीछे है, ऋषभ का मैथ भी ईशान की आठ से पीछे है। तो सिंपली जेड स्कोर क्या हुआ, जेड स्कोर यही स्टैंडर्ड डेविएशन है जो एक इंडिविजुअल का या ग्रुप का कैलकुलेट करके हमारे पास इस फॉर्म में जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री या जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री या इनके बीच भी पॉइंट फाइव ऐसे प्लस ऐसे भी आ सकता है, 1.5 ऐसे भी आ सकता है, जिसको क्या हम इजीली वन स्केल, एक कॉमन स्केल, जेड स्कोर क्या करता है, हमें एक कॉमन स्केल पर जो न्यूमेरिकल हमारे पास वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल मैथ, साइंस, आर्ट, कॉमन स्केल पर हमें
लाकर खड़ा कर देता है और हम इजीली एक ट्रेट को, एक सब्जेक्ट को, एक फील्ड को दूसरे फील्ड से, एक विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी से, एक स्कूल को दूसरे स्कूल से ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा ये देखिए, आर्ट का स्कोर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैथ्स होगा 10, 20, 30, 40, है ना, 41, 42, ऐसे हाइट भी ऐसी होगी। लेकिन देखिए क्या हम हाइट ये कंटिन्यूस वेरिएबल पर है, ये इंटरवल स्केल पर है, ये रेशियो स्केल पर है, यहां बेशक इसको मत समझिए, लेकिन ये देखिए कि ये डिफरेंट स्केल पर होने के बावजूद भी इनको हम जेड स्कोर की मदद से कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट ए के हाइट को इनके आर्ट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, इनकी हाइट की उनकी रिलेटिव पोजीशन देख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास चाहिए क्या, हमें उस ग्रुप का, मान लीजिए एक क्लास है, एक स्कूल है, उस ग्रुप का 100 जने हैं, 50 जने हैं, 1000 जने हैं, उस ग्रुप का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, यहां एसडी लिखने लगा हूं, और उस पॉपुलेशन की म्यू जिसको बोलते हैं, ये साइन उसका होता है उसका, उस पॉपुलेशन का मीन चाहिए और उस इंडिविजुअल का स्कोर चाहिए। दो केस डिस्कस करेंगे क्योंकि उसी एग्जाम्पल के बेस पर आप सारा क्वेश्चन का आंसर दे सकोगे। केस वन है ऋषभ है, ऋषभ के टीचर ने मैथ्स टेस्ट लिया, मैथ टेस्ट में उस सारी क्लास का मीन स्कोर है ना 80 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 10 है और ऋषभ ने स्कोर कितना किया है 90। अब ये हो गया ऋषभ का स्कोर कितना है 90 और ये है डिस्ट्रीब्यूशन का मीन स्कोर क्या है 80 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 10। इनमें से इनमें माइनस किए और ये आ गया 10 और नीचे है 10 और ये बराबर आ गया 1। तो ये क्या है, ये जेड स्कोर निकल आया +1। इसका मतलब क्या हुआ कि +1 कहां है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रहा +1। इट मींस ऋषभ मैथ्स में यहां स्टैंड करता है। केस टू, एग्जांपल टू है सोनिया की। सोनिया के टीचर ने साइंस टेस्ट लिया उस स्कूल में या डिफरेंट स्कूल में और उसका डिस्ट्रीब्यूशन का मीन स्कोर कितना है 75 आया है। सोनिया ने कितने स्कोर गेन किए हैं 85 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 5। सोनिया ने कितने गेन किए हैं ये लिख लिए है मैंने 85 और मीन स्कोर कितना है डिस्ट्रीब्यूशन का 75 और कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन 5 और ये आ गया 10, इसमें से माइनस किए और ये आ गया 5 और यहां पर लिख रहा हूं ये आ गए 2 +2। इट मींस सोनिया साइंस में जेड स्कोर कितना 2 लेके पोजीशन पर है। सोनिया की पोजीशन ये रही यहां पर, यहां लिख दिया मैंने सोनिया, ओके, किसमें साइंस में, ओके। दूसरा है ऋषभ, ये है +1, यहां आर इतना लिख दिया ऋषभ और किसमें है मैथ्स में, है ना। आगे चल के हम यही एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि ऋषभ के मैथ्स में, ऋषभ के साइंस में इतना इतना स्टैंडर्ड स्कोर आया है या जेड स्कोर आया है ना, तो नेचुरली कंपेयर हो गया। अब कंपैरिजन क्या कह रहा है कि सोनिया साइंस में ऋषभ के मैथ्स से आगे है, सिंपली ये पता चल रहा है। और के सोनिया की पहली पोजीशन से कंपेयर कर सकते हैं, जब सोनिया ने एक सेशन इस क्लास में एंटर किया था तो उसका जेड स्कोर कितना था, है ना, मान लीजिए 0 था, मान लीजिए +1 था, तो अब उसकी प्रोग्रेस इतनी हो चुकी है। ये सभी एग्जांपल आगे चल के पॉइंट बन जाएंगे। अगली बात, ये तो हो गई इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन में क्या है, एक तो है ये देखना कि 0 से हमारा जेड स्कोर पॉजिटिव साइड है तो वो एवरेज बच्चों से आगे चल रहा है, अगर वो माइनस है तो वो लोअर की तरफ आ रहा है एवरेज बच्चों से
पीछे उसकी परफॉर्मेंस है। एक तो माइनस और प्लस ये हो गया है ना, दूसरा डिग्री कितना आगे है, अगर तीन है तो सबसे आगे है वो, इधर तीन है तो सबसे पीछे है माइनस, है ना। तो इससे कितना जो फैला हुआ है, कितना मीन से दूरी पर है, तो ये जेड स्कोर मीन से एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की, एक स्टूडेंट की दूरी बताता है, उसकी पोजीशन बताता है। तो ये एक स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है जिसमें हमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हमें इंडिविजुअल का स्कोर और डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो और इसकी के परसेंटाइल में कन्वर्ट करके इसको और इजीली समझा जा सकता है और नई नॉलेज इससे मिल सकती है। फॉर एग्जांपल जो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 जिसका आया है, सोनिया का साइंस में आया है, तो उसको अगर परसेंटाइल, यहां लिखा हुआ है परसेंटाइल, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही जेड स्कोर है। कोई कुछ भी पूछा जाए जेड स्कोर क्या है, जेड स्कोर स्टैंडर्ड डेविएशन में एक्सप्रेस्ड वैल्यू है। तो आगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस, इसके बिल्कुल सामने इसकी परसेंटाइल रैंक दिया गया है। सोनिया का अगर प्लस टू है, प्लस टू स्टैंडर्ड स्कोर, जहां जेड स्कोर पर कितना परसेंटाइल रैंक है, 98। इसका मतलब क्या हुआ कि सोनिया ने 98 स्टूडेंट्स को, अपने ग्रुप को, जिन्होंने वही टेस्ट दिया है, इतने जनों को पीछे छोड़ा है, वो इतने जनों से आगे है, उसकी रिलेटिव पोजीशन पता चल गई। तो ऋषभ का मैथ्स में प्लस वन है स्टैंडर्ड स्कोर, स्टैंडर्ड डेविएशन जेड स्कोर, तीन टर्म बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, स्टैंडर्ड डेविएशन टी जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्कोर की एक टाइप जेड स्कोर है, तो वो एक्सप्रेस स्टैंडर्ड डेविएशन में होती है, ये बात है, रिपीट करने लगा हूं, स्टैंडर्ड स्कोर की एक टाइप जेड स्कोर है और जेड स्कोर एक्सप्रेस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो ये प्लस वन आया है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटाइल इसी कर्व में दिया गया है जो 84 है। इट मींस ऋषभ ने 84% स्टूडेंट्स को, जिन्होंने मैथ्स का वही टेस्ट दिया था, पीछे छोड़ा है, वो इतने लोगों से, इतने स्टूडेंट्स से सॉरी आगे है। इस तरह से कोई भी टीचर क्लास में टेस्ट लेके, किसी भी क्रिएटिविटी टेस्ट भी हो सकता है, मैथ्स का, साइंस का, आर्ट का, कोई भी है ना टेस्ट लेके, उसको बच्चे की पोजीशन पता चल जाती है। जो बच्चे बिलो एवरेज या किसी एक लेवल से डाउन आते हैं, तो वो आइडेंटिफाई होते हैं कि ये बहुत वीक बच्चे हैं, इनको स्पेशल अटेंशन चाहिए, और इनको डायग्नोस करने में जेड स्कोर ने हेल्प की है कि इतने जेड स्कोर से, मान लीजिए माइनस टू, इससे जो नीचे बच्चे हैं वो एक्सट्रीमली वीक हैं, उनको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, एक्स्ट्रा कोचिंग चाहिए, उनके लिए रिमीडियल टीचिंग का जो है इंतजाम किया जाता है। ऐसे ही बहुत, जैसे ईशान मान लीजिए 3+3 आया है, तो टैलेंटेड बच्चे, गिफ्टेड बच्चे, क्रिएटिव बच्चे जो पहचाने जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनपीसी एंड जेड स्कोर। तो चलिए अब देखते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट के, इसको हमने लिखना एग्जाम में कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करेंगे, उसके लिए 2-3 वर्ड आपने बस याद रखने हैं। जेड स्कोर क्या होता है, नंबर एक ये टाइप ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर है, नंबर दो स्टैटिस्टिकल मेजर है, सिर्फ स्टैटिस्टिकल वर्ड या मैथमेटिकल वर्ड याद रख लीजिए, और डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स, ओके, विच इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत ज्यादा ब्रीफ में बोलना है कि स्टैंडर्ड जेड स्कोर स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि स्टैंडर्ड स्कोर की एक फॉर्म है, और वो मीन से डेविएशन की इंडिकेशन करता है। अगली बात, जो लेवल है स्केल के, ये समझ नहीं आएगी, मैंने यहाँ रेशो स्केल भी लिखा है, इंटरवल स्केल भी लिखा है, ऑर्डिनल भी लिखा है, कैटेगरी जहाँ नॉमिनल स्केल उसको बोलेंगे, उसकी हाइट एग्जांपल है दी हुई जो रेशो स्केल है, और इंटरवल स्केल की साइंस अचीवमेंट, मैथ अचीवमेंट जो अभी दे के आया हूँ। तो जेड स्कोर अगर कैलकुलेट करना है तो मिनिमम
डाटा जो है आपको रेशियो या इंटरवल स्केल पर चाहिए, ऑर्डिनल या कैटेगरी या नॉमिनल स्केल पर जेड स्कोर काम नहीं करता। जब लिमिटेशन करेंगे तो ये कह देंगे ये रैंक या ऑर्डिनल स्केल पर और कैटेगरी वेरिएबल को ये अप्लाई नहीं होता, लिमिटेशन बन गई और इधर पॉजिटिव साइड बन गई। दो एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर ली हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन जैसे एग्जाम्पल वन दे दी है, उसको ऐसे कैलकुलेट कर लिया है ना, ये डिस्क्रिप्शन आप नोट कर सकते हो। वैसे मेरी नई बुक जो आ रही है उसमें ये सारा कुछ ऐसे ही दिया गया होगा, और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि इतने परसेंट स्टूडेंट्स को ऋषभ ने पीछे छोड़ा है। दूसरा सोनिया की बात है, साइंस की बात है, उसकी कैलकुलेशन की बात है, और उसने जो है 98 स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ा है, ये इंटरप्रिटेशन हो गई। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज क्या हैं जेड स्कोर की, अब पिछली एग्जांपल को याद रखना है, वेरी इजी। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन मीन के एक ही वर्ड याद रखना है यहां पर, कॉमन स्केल पर आपका कोई भी स्कोर है, बच्चे का कोई मैथ्स में है, साइंस में है, जो एग्जांपल हमने देखी है, तो उनका कोई भी स्केल है, किसी भी स्केल पर है, वो जेड स्कोर हमें एक कॉमन स्केल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे हमें वैल्यू प्लस वन दे दी, प्लस टू देती, और हमने सिंपल उसको कंपेयर कर लिया, इतनी बात है। और ये बात बार बार होनी है कि इसका मीन स्कोर जीरो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वन होता है, जो उस कर्व में देख के आए हैं। ये एग्जाम्पल है ऋषभ का ही, साइंस का और मैथ का को कंपेयर किया जा सकता है, ऋषभ का मैथ्स और सोनिया के साइंस के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है। ये डिफरेंट पॉइंट आप बना सकते हो, इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मीन ऑफ जीरो। जेड स्कोर में जो मीन है ये रहा सेंट्रल में, ये कर्व जो बनी है उसी से देख लेना है, मीन स्कोर इसका जीरो होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन वन होता है। इसमें इसमें डिफरेंस वन का है, यहाँ पर टू हो गया, इसमें इसमें डिफरेंस वन का है, ये थ्री हो गया, ऐसे ही माइनस की तरफ, जीरो और वन, जीरो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वन, इतनी बात करनी है और आगे चले जाना है। मीन इज जीरो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वन जो बात करके ऑलवेज वन होगा, ठीक। इट मीन्स नेक्स्ट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक ही बात पहले याद रखनी है, लीनियर को अगर डिफाइन करना है स्ट्रेट लाइन, ये वर्ड यूज करना है, स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रांसफॉर्मेशन होती है। दूसरी जो होती है नॉन लीनियर, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ऐसे बन रही है कर्व, फॉर एग्जांपल ऐसे कर्व बन रही है, है ना, ये वाली नॉन लीनियर है और ये वाली भी नॉन लीनियर है, आपने ये एक ड्रा कर देनी है लीनियर। एग्जाम्पल यहां दी गई है कि अगर जेड स्कोर को डबलिंग कर देते हो फिर भी वो अपनी रिलेटिव पोजीशन या रैंक जो है वो वैसे ही दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल जो स्कोर थे जितने भी बच्चों के आए वो डबल हो गए, तो वो क्या होगा कि वो जो कर्व यहां से मान लीजिए 30 स्कोर मिनिमम पहले था, अब मिनिमम 60 स्कोर हो गया बच्चे का, तो यो वो कर्व ऐसे बन रही थी या ऐसे, वो अब कर्व क्या है ये नीली करके बना देते हैं, ऐसे ही बनेगी और पोजीशन को वैसे ही वो शो कर रही है, सिर्फ स्कोर जो है डबल हो गया है, आगे बढ़ गए, पोजीशन वही रही सभी की, ये बात कहना चाहते हैं। कंपेरेबिलिटी बहुत कॉमन पॉइंट है, कंपैरिजन ऑफ, ये आप डिफरेंट पॉइंट भी बना सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट क्लासरूम, एक क्लासरूम की परफॉर्मेंस दूसरी क्लासरूम से परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम में का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है प्लस वन आया है मैथ्स में और दूसरी का प्लस 1.5 आया है, तो जो क्लास बी है उसकी रिलेटिव जो है परफॉर्मेंस क्लास ए से बेटर है, इतनी ऐसे ही एग्जांपल देनी है। दूसरा जैसे क्लासरूम को कंपेयर किया जा सकता है, ऐसे ही स्कूल को भी, स्कूल की परफॉर्मेंस को भी कंपेयर किया जा सकता है, एक स्कूल और दूसरा स्कूल, यही एग्जाम्पल फिर दे देनी है। रिलेटिव पोजीशन तो हर बार दिखाई दे ही रही है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने क्या स्कोर जो जेड स्कोर है 1.5 आया है ना, जहाँ दो आया है, तो अगर ये प्लस है तो पोजीशन साफ दिखाई दे रही है कि ये
बच्चा मीन स्कोर से एवरेज बच्चों से कितना आगे है, बड़ी जल्दी इतना पढ़ के बड़ी जल्दी पता लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने हमने ये देखना है ये जीरो से कितना आगे है, अगर माइनस वन आई है तो जीरो से कितना, तो ये होगी रिलेटिव पोजीशन या रैंकिंग, एकदम स्टेटस बच्चे का पता चल जाता है। ये पॉइंट क्या है कि अगर जेड स्कोर को यूज करना है तो जेड स्कोर में एक अजम्पशन है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल ही हो, अब नॉर्मल ना हो। अब नॉर्मल मीन वो स्क्यूड ना हो जैसे ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट इज वाई आगे चल के पॉइंट भी आ जाएगा, जेड स्कोर की ये लिमिटेशन भी आ जाएगी कि स्मॉल सैंपल पर ये अप्लाई नहीं होता, वहां टी स्कोर अप्लाई होता है, और लार्ज सैंपल हो तो जेड स्कोर अप्लाई होता है, यूज होता है। क्यों? अगर लार्ज सैंपल है तो नॉर्मेलिसी, जो हमने किया था ना सेंट्रल लिमिट थ्योरम पिछले जो जब एनपीसी किया था, जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है कर्व है अब नॉर्मल से नॉर्मल होती जाती है। हमारा पॉइंट क्या है कि इसकी अजम्पशन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, अगर वो जो है डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये क्या हो गई यहां पर पॉजिटिव लिख दिया मैंने, डाउन है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो जेड स्कोर नहीं अप्लाई होगा। ऐसे ही अगर ये नेगेटिव है, यहां पर हाइट बना दी, नीले से मैंने हाइट बना दी और यहां पर ऐसे ले आया, यहां पर नेगेटिव लिखा, फिर भी जेड स्कोर अप्लाई नहीं होगा, ये उसकी लिमिटेशन में बाद में डिस्कस हो जाएगा। नेक्स्ट है परसेंटाइल, पीछे जो दिखा के आए हैं कि इसको कन्वर्ट परसेंटाइल में इजीली किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर दो स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसका परसेंटाइल 96 होगा। आप इसकी बजाय यहां से लिख लीजिए, ये देख लीजिए, ये सारी पोजीशन दी हुई है। अगर दो है जो अपना जेड स्कोर दो है ना, तो 98 परसेंटाइल हो गया। अगर तीन है तो 99.9% हो गया। ईशान यहां उनके आठ पर खड़ा है ना, आठ, ईशान को ही अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर देखो तो ईशान -3 पर आ जाएगा, है ना, लोएस्ट पोजीशन। ये भी कंपैरिजन, ये भी एग्जांपल दी जा सकती है। प्लस वन पर 84% है, जीरो पर 15%, जीरो है तो इट मींस 50% जो मिड में हम आ रहे हैं, 50 इधर है 50 इधर है, मतलब आधे आधे। माइनस वन पर है आपका जेड स्कोर तो परसेंटाइल 16 है, माइनस टू पर है तो 2% है, माइनस थ्री पर 0.1 पर है ना, तो ये पोजीशन हमारी परसेंटाइल इजीली बता देता है कि हम कितने परसेंट लोगों को, स्टूडेंट्स को ग्रुप में पीछे छोड़ के आए हैं। फेयर कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन पहले भी था, फेयर मीन क्लियर और बायसनेस नहीं है इसमें, बच्चे को इवेल्युएट किया जाता है उसके पीयर से कंपेयर करके इक्विटेबल मैनर बिना किसी भेदभाव के। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ऐसे ही वीक चिल्ड्रन को, दो पॉइंट ये अलग अलग बनेंगे, यहाँ दोनों को समझ लेने पहले हम कर आए हैं। फॉर एग्जांपल जो बच्चे का स्टैंडर्ड स्कोर, सॉरी जो जेड स्कोर है प्लस थ्री आया है ना, जैसे ईशान की एग्जांपल दी थी, इट मींस वो गिफ्टेड हैं, वो टैलेंटेड हैं, वो एक्सेप्शनल है, तीन वर्ड यूज किए जाएंगे बार बार, है ना। 130 वाले ये भी गिन सकते हैं, एक्सेप्शनल में हमने गिने हैं, टैलेंटेड पॉजिटिव हैं, इनके लिए टीचिंग स्ट्रेटजीज और जो है एनवायरमेंट डिफरेंट दिया जाएगा। और ऐसे ही वीक बच्चे, ये अगला पॉइंट होगा, आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोस्टिक वैल्यू ऑफ जेड स्कोर, तो ये यहाँ पर जेड स्कोर माइनस टू पर जो जिन बच्चों का माइनस टू जेड स्कोर आया है तो वो बहुत वीक बच्चे हैं, तो उनको डायग्नोज करके उनकी वीकनेस के लिए रिमेडियल टीचिंग दी जाती है, ये पॉइंट बन जाना है। ऐसे आइडेंटिफिकेशन वीक बच्चों की भी और स्ट्रॉन्ग बच्चों की दोनों की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन के बाद ट्रैकिंग ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना याद रखना है, जैसे मैंने दिया था एग्जांपल के सोनिया के अब जेड स्कोर जो आया है प्लस टू आया है, तो जब सोनिया इस कॉलेज में या स्कूल में एंटर हुई थी तो उसकी परफॉर्मेंस उसी टेस्ट पर या सभी टेस्ट में कितनी थी, मान लीजिए प्लस वन थी। अगर पहले प्लस वन थी, यहाँ पर जाके एक बार देख लेते हैं,
पहले प्लस वन थी है ना, स्टार्टिंग में यहां थी जब सेशन शुरू हुआ था, अब सेशन खत्म हुआ था तो प्लस टू है। इट मींस सोनिया की प्रोग्रेस साफ दिखाई दे रही है। पहले वो 84% स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ रही थी, अब 98 को कर रही है। इट मींस सोनिया अपने ग्रुप में आगे बढ़ रही है। तो ये हम उसकी जो एकेडमिक जर्नी है स्टूडेंट की, उसकी ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं, ये पॉइंट है इसमें। स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्टिंग इजी है, टर्म आपको डिफिकल्ट लगेगी। रिपोर्टिंग मान लीजिए मैंने रिपोर्ट करना है, मैं टीचर हूँ, मेरे जो ऋषभ हैं, सोनिया हैं, बनी हैं, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, सोनम हैं, तो ये मैंने रिपोर्ट करनी है। तो मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ कि ये बच्चा, इसका जेड स्कोर प्लस थ्री, ये बच्चा इसका जेड स्कोर 2.5, ये बच्चा इसका जेड स्कोर 2.2 है ना। तो ये क्लियरली रिपोर्ट की जा सकती है और इजीली किसी को भी समझ आ जाएगा। अब जब समझ आ जाएगा, मुझे तो अभी आया अभी। सो वेरी क्लियर कम्युनिकेशन है जेड स्कोर कर रहा, क्योंकि हमें एक स्केल पर लाके खड़ा कर देता है। अच्छा, ये पॉइंट है, अगर रेपिटेशन लगता है तो आप इसको दोबारा मत दीजिए। यहाँ पर है ग्रुप कंपैरिजन। ग्रुप कंपैरिजन में क्लास की बात हो गई थी, ओके, स्कूल्स की हो गई थी, है ना। डिस्ट्रिक्ट कंपैरिजन यहाँ पर बना सकते हैं कोई भी, है ना। ये डिस्ट्रिक्ट कंपैरिजन ये हो सकता है। कंपैरिजन के आगे सब पॉइंट आप बना सकते हो, स्कूल कंपैरिजन, क्लास कंपैरिजन, डिफरेंट जो है सब्जेक्ट कंपैरिजन, डिस्ट्रिक्ट कंपैरिजन, तो ऐसे किया जा सकता है। ये अब कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं मेरे ख्याल में लग रहा। डायग्नोस्टिक असेसमेंट अभी जो बता के आया हूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक एरिया, क्या जिनकी माइनस वन आ रही है, माइनस टू जेड स्कोर आ रहा है, माइनस थ्री आ रहा है, ये बच्चे वीक है, आइडेंटिफाई हो गए, इनके लिए एक्स्ट्रा कोचिंग, एक्स्ट्रा रिमीडियल टीचिंग, एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, डरना नहीं है, डाटा ड्रिवन कुछ नहीं है, डिसीजन आप वैसे भी लेते हो। अब जेड स्कोर आपको डाटा दे रहा है जिसके बेस पर आप अच्छा साइंटिफिक डिसीजन ले पाओगे, है ना। सारी क्लास का जेड स्कोर आपके पास है, आप कितनी अच्छी लेसन प्लानिंग कर सकते हो, इवेल्युएशन फर्दर कैसे करनी है और किस बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, इंडिविजुअल अटेंशन किसको ज़्यादा देनी है, ये सारा कुछ हो सकता है। एनालाइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शनल एडजस्टमेंट। इंस्ट्रक्शनल एडजस्टमेंट डरना नहीं है, जो टीचिंग की एडजस्टमेंट है कि इस बच्चे को मैंने ऐसे टीच करना है, इस बच्चे को वैसे टीच करना है, जो आपकी लेसन प्लानिंग है वो बात है। नेक्स्ट है पॉइंट, हमारे पास पॉइंट नहीं है। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ उनकी, लेकिन इनमें कुछ पॉइंट सीधे सीधे जो हैं मेरिट के हैं, एडवांटेजेस के हैं, लेकिन एडवांटेजेस के और बड़े पॉइंट हैं जो आपको इजीली समझ आ जाएंगे मेरे ख्याल में। नेक्स्ट वीडियो में मैं दे देता हूँ, इन पॉइंट्स को याद कैसे करना है ये हम कर लेते हैं। ये ट्रिक्स क्या हैं इनको याद रखने के लिए, इसको तो तीन चार डिवीजन की है, एक दो तीन, तीन डिवीजन है मेन इसकी। फर्स्ट डिवीजन में कुछ भी नहीं करना, हमने कर्व को देखना है, ये रही कर्व, जेड स्कोर है, तो इसमें जो हमारा फार्मूला है वो भी हमें इजीली याद है। ये रहा फार्मूला, यहाँ पर जो है ये माइनस का साइन है, ये एक्स का इंडिविजुअल का स्कोर है, है ना, ये जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का मीन स्कोर है, यहाँ मीन लिख लिया, और ये एस डी यहाँ लिख लिया, है ना, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कर्व बन गई। तो तीन पॉइंट तो ये हो गए, मीन जीरो हो गया, एस डी वन हो गया, नॉर्मल कर्व इसकी अजम्पशन हो गई, और तीसरा परसेंटाइल। तो ये चार पॉइंट कर्व को देख के ही आपको याद आने चाहिए, इसको उसके इसकी याद के साथ जोड़ लेना है। चार हो गए परसेंटाइल, परसेंटाइल के बाद परसेंटाइल के एल को उठाया और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये पॉइंट लिख लिया, ट्रांसफॉर्मेशन के एस को उठाया, एस एस के साथ जो बन रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग, है ना, रिपोर्टिंग के आर से रिलेटिव रैंकिंग, और ये मैंने इटालिक इसलिए किए हैं, ये दो पार्ट हो गए अब इसके साथ जोड़ के। तो दो जो बाकी रैंकिंग जी बचा है, जी जी फॉर गिफ्टेड ये भी लिख लिया, और जी फॉर ग्रोथ ट्रैकिंग ये लिख लिया।
तो ये डाल किस लिए किए है, ये जो जो एडवांटेजेस या मेरिट हैं उसके ये पहले पॉइंट ये बनने ही बनने हैं। तो ट्रैकिंग जब लिखा आपने, ट्रैकिंग के बाद सी सी डी यहाँ लिख लेना है, सी और डी। सी डी के कंपेरिटेबिलिटी बनते हैं, कंपेरिजन के पॉइंट आप कंपेरिजन क्लास का भी लिख सकते हैं, कंपेरिजन स्कूल का भी लिख सकते हैं, कंपैरिजन सेल्फ का प्रीवियस के साथ है ना जो ग्रोथ है वो भी लिख सकते हैं, कंपैरिजन डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हैं, और डी से आपका डायग्नोस्टिक और डिसीजन मेकिंग। तो ये जेड स्कोर ये हेल्प करते हैं। ये बाद वाले जो हैं ये नॉर्मली आप एडवांटेजेस या मेरिट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।